देखिए जो प्रोसीडिंग्स उन्होंने दोनों जो पार्टीज के जो छः छः काउंसिलर्स ने दिया है आपका डीसी साहब को उसमें यह क्लियर कर लिखा है कि वो एक तो सपोर्ट विदड्रा करते हैं दूसरा उन्होंने लिखा है कि सेक्शन ट्वेंटी सेवन टू के तहत जो है प्रोसीडिंग्स जो है आप इसको आगे इनिशिएट कीजिए उसमें क्लियर कर लिखा है ट्वेंटी सेवन बी ये है कहता है कि आपका फ्लोर टेस्ट के लिए मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो है हमने विदड्रा किया है तो लिहाजा आप फ्लोर टेस्ट कराइए लेकिन इसका पोस्टपोनमेंट के साथ कोई जिक्र नहीं है आपका जो पोस्टपोन किया गया है आपका मीटिंग उन्होंने ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इस मीटिंग को डिफ़र किया जाए जनरल काउंसिल मीटिंग को उन्होंने लिखा है कि सेवेंटी के तहत जो है प्रोसीडिंग्स किया जाए लेकिन ये पोस्टपोनमेंट के बारे में कहीं जिक्र नहीं है लेकिन ये पोस्टपोनमेंट जो है वो गलत किया है क्योंकि अभी भी आज के डेट में भी हमारे पास सोलंग की मजारिटी जो हम हमेशा क्लेम करते हैं और आज के डेट मेरे पास अभी भी कॉपी है आज ही के साइन किया हुआ सोलंग काउंसिलर्स का जिसमें यह लिखा है कि हमारे मजारिटी है तो मजारिटी होते हुए आपका जनरल काउंसिल मीटिंग पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था ठीक है आप उनका राइट है कि उन्होंने वो नोटिस दिया है कि सेक्शन 22 के तहत जो सॉरी 27 के तहत आप प्रोसीडिंग्स करें वो उनका राइट है वो एक अलग चैप्टर है लेकिन मीटिंग पोस्टपोन करना क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम आज के बाद कोई आपको प्रूव करके कर कर, अगर आप मेजॉरिटी इंप्रूव नहीं कर पाते हैं तब जो है आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं लेकिन वैसा तो है नहीं तो लिहाजा मीटिंग जो है पोस्टपोन किया गया है ये अभी हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर्स यहाँ जमा थे कि मीटिंग पोस्टपोनमेंट और इसका जो है वो गलत है लेकिन पोस्टपोनमेंट नहीं होना चाहिए था क्योंकि जनरल काउंसिल मीटिंग में हम ये प्लान का मीटिंग था इट इज़ प्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ लोगों के इंटरेस्ट में है जितना जल्दी हमारा प्लान अप्रूव होता है हमारे यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू होते हैं और आप जानते हैं कि हमारे यहां पे वर्किंग सीजन जो है वो बहुत शॉर्ट है इसलिए हम चाहते थे कि मीटिंग प्लान जल्दी से अप्रूव करके हम जो है अपना काम शुरू करें लोगों का काम शुरू करें ताकि हम जो है इसका एक्सपेंडिचर जो है टाइम पे कर सकें तो आज के मीटिंग का जो पोस्टमेंट पोस्ट हुआ है इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे करगिल के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर पड़ेगा और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पोस्टपोनमेंट हुआ उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट डेट आना है आपका आप नेक्स्ट डेट जो है वो गवर्नमेंट ने देना यानी यूटी गवर्नमेंट में उसमें पता नहीं कितना टाइम ये लोग लगाएंगे तो इसका सारा असर हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर पड़ेगा एक तो ये पोस्टपोनमेंट हुआ है ये गलत है दूसरा जो फ्लोर टेस्ट का जो डेट निकलना है वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए ताकि हमारे जो डेवलपमेंटल जो सीजन है उस पे इसका असर ना पड़े सर आप पोस्टपोनमेंट ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं आप चेयरमैन हैं एलजीसी करगिल के

सेक्शन 27 के तहत जो है प्रोसीडिंग्स करो तो ये दोनों दो टोटली टो, टो, टो टो दो डिफरेंट इश्यूज हैं कांग्रेस पहले कह रहे थे अपोजिशन में है और कल एक और एक बयान देते हुए कांग्रेस ने अपना दूसरा एक बयान दिया कि उसमें कहा कि हम फॉर्मली टेक्निकली अपोजिशन में जा रहे हैं हम सपोर्ट विथड्रॉ कर रहे हैं आखिरी मोमेंट पे इस 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 को आप किस तरह देखते हैं पास पास आते हैं देखिए मेरी मेरा ये मानना है कि हमने आपका कांग्रेस कांग्रेस को लेके कभी ये क्लेम नहीं किया कि कांग्रेस हमारे साथ है ठीक है आपका जब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ आपका बीजेपी के साथ तब भी आपके आपके ही चैनल पे मैंने इंटरव्यू देकर कहा था कि हमारे पास सोलह मेंबर मैंने ये कभी नहीं कहा था कि हमारे पास कांग्रेस के भी लोग हैं मैंने मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमने सोलंग का क्लेम किया और हमें अभी भी है अब उन लोग किस सेंस में ये लोग बोलते हैं कि हम वि कर रहे हैं हमने कर तो कभी क्लेम ही नहीं किया अगर हमने क्लेम किया होता तो वो बोलते हैं भाई हमने विदड्रा किया है तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि दो में जब हमारा और उनका कोलेशन टूट तूड़ गया टूटने के बाद हमारा तो कोई फॉर्मल ऐसा कुछ है नहीं सपोर्ट रहा और हमने सबसे बड़ी बात है कि अगर कि हम वि कर रहे हैं आपके ही इंटरव्यू में जब ये हुआ नया जो वाकया पेश आया तो उसी दिन दूसरे दिन ही मैंने बोला हम तो सोलह हैं तो मैं आज भी बोल रहा हूँ हम सोलह हैं जब हमने क्लेम ही जब नहीं किया तो विड्रावल कहाँ से आता है उसमें वो तो, तो कोई सेंस बनता नहीं है सर क्या एल एप फ्लोर टेस्ट का इंतजार करेंगे नहीं फ्लोर करेंगे और हमारे पास मैं आज भी कहता हूँ हमारे पास जो 16 मेंबर हैं वो आज भी हैं और जब भी फ्लोर टेस्ट आएगा इन हम अपना मेजार्टी प्रूव करेंगे और मैं इसीलिए आपके माध्यम से यू एडमिनिस्ट्रेशन को अभी अपील भी करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये फ्लोर टेस्ट होना चाहिए ताकि हमारा जो डेवलपमेंटल काम है वो नहीं रुके क्योंकि सबसे